सो आज मैं आपको बताऊंगी वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एलकेजी केजी यूकेजी है सबके एडमिशन के लिए श्योरली मतलब बार बार हमेशा मतलब कि पूरे कि 100% गारंटी के साथ हम लोग बोल सकते हैं कि वो क्वेश्चन आते हैं। तो वो मोस्ट पॉपुलर इंटरव्यू के क्वेश्चन है और मैं उसे आपको श्योर होके बता सकती हूँ कि वो आएंगे ही आएंगे। तो चलिए उन क्वेश्चंस के जैसे कि उसमें 20-40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उनमें से हमने कुछ क्वेश्चंस यहाँ लिख लिए हैं। तो अब चलिए उनके आंसर जानते हैं। तो पहला क्वेश्चन है जो कि श्योरली पूछा ही जाता है वो है व्हाट इज योर नेम। तो मतलब कि आपका जो भी नाम है पिंकी पिंकी जो भी आपका नाम हो तो आप बोलेंगे माई नेम इज श्याम या राम है तो जो भी आपका नाम है आपको माई नेम इज करके बोलना है। अगर मतलब कि आपको उतना बोलने में मतलब कि अगर उतना अच्छे से आपको याद नहीं हो रहा है तो आप लोग बस अपना एटलीस्ट नाम बता दीजिए। हाँ लेकिन माई नेम इज करके जो बोलना है बोलते हैं तो उसमें जो है वो वर्ड थोड़ा अच्छा लगता है। व्हाट इज योर मॉम एंड डैड्स नेम। ये क्वेश्चन तो है ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है कभी कभी ये कुछ इस तरह से भी पूछा जाता है व्हाट इज योर मदर्स नेम या व्हाट इज योर फादर्स नेम। ये दो क्वेश्चंस पूछ रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपके पापा का नाम भी कुछ इसी तरह है जैसे आपके पापा का नाम है राम श्याम जो भी आपके पापा का नाम हो। सो माई फादर्स नेम इज वो एंड माई मदर्स नेम इज मान लीजिए आपकी मम्मी का नाम है रिंकी पिंकी जो भी आपकी मम्मी का नाम हो आपको बोल देना है माई मदर्स नेम इज जो भी हो वगैरह वगैरह एटलीस्ट नाम बता देना है। डू यू हैव एनी सिस्टर्स और ब्रदर। क्या आपके पास कोई भाई बहन है। अगर आपका भाई जैसे कि मान लीजिए आपका एक भाई है तो यू कैन से कि यस आई हैव वन ब्रदर ये मेरे पास एक बहन है तो आई हैव वन सिस्टर। ये जितने भी बहन है ब्रदर्स है मतलब कि ये बोल सकते हैं कि मान लीजिए आपकी दो बहनें हैं एक का नाम है हाँ मान लीजिए एक का नाम है तारा एक का नाम है सारा। तो जैसे कि है तो आप मान लीजिए आपकी दो बहनें हैं तो आप बोल सकते हैं आई हैव टू सिस्टर्स। अगर आपका एक भाई है एक का नाम है राम एक का नाम है तारा या जो भी आपके बहन भाई का नाम हो तो बोल सकते हैं आई हैव वन ब्रदर एंड आई हैव टू सिस्टर्स यानी मेरी एक बहन भी और एक भाई भी और मैं भी हूँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं वेयर डू यू लिव आप कहाँ रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप रहते हैं पटना में तो यू कैन से कि आई लिव इन पटना। आप दिल्ली में रहते हो तो आप बोल सकते हो आई लिव इन दिल्ली। और यहाँ भी आप रहते हो चेन्नई में मुंबई में जहाँ भी आप रहते हो उसका जो है नेम बता देना कि आई लिव कैन यू टेल मी व्हेन इज योर बर्थडे। क्या आप बता सकते हैं आपका जन्मदिन कब है तो आपको बोलना है यस श्योर माय बर्थडे इज ऑन या आप ये यस श्योर ना बोले तो भी चलेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपका बर्थडे है 25 फरवरी को आप बोल सकते हैं ये श्योर माई बर्थडे इज ऑन 25 फरवरी या जब भी आपका बर्थडे हो जैसे कि मार्च में हो 5th मार्च तो माई बर्थडे ये श्योर माई बर्थडे इज ऑन 5th मार्च। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को व्हाट इज योर फेवरेट कलर। आपका फेवरेट कलर क्या है जैसे कि आप तो आप बता सकते हैं जैसे माई फेवरेट कलर इज जो भी आपका मतलब सबसे ज्यादा फेवरेट कलर जैसे पिंक हो तो माई फेवरेट कलर इज पिंक रेड हो तो माई फेवरेट कलर इज रेड
पर्पल हो तो माय फेवरेट कलर इज पर्पल, हो तो माय फेवरेट कलर इज पिंक, येलो हो तो माय फेवरेट कलर इज येलो, जो भी आपका फेवरेट कलर हो वो आपको बता देना है, ब्लू हो जो भी हो, माय फेवरेट कलर इज जो आपका फेवरेट कलर। कैन यू टेल मी विच कलर इज दिस, क्या आप बता सकते हैं ये कौन सा रंग है? फॉर एग्जाम्पल आपको मान लीजिए आपको कोई कपड़ा दिखाया जाता है, जैसे कि मान लीजिए कुछ भी दिखाया जाता है, फॉर एग्जाम्पल ये कॉपी ही दिखा के कोई बोले कि विच कलर इज दिस, तो आपसे पूछा जा सकता है कि ये कौन सा कलर है, कौन सा रंग है। तो जैसे कि ये ऑरेंज कलर का है तो आप लोग बोल सकते हैं कि दिस इज ऑफ ऑरेंज कलर। जैसे कि ये ब्लैक कलर का है आप लोग बोल सकते हैं दिस इज ब्लैक कलर। हाँ, जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सा वो कलर है, जैसे कि ये ब्लू है तो दिस इज ब्लू कलर। कैन यू टेल मी व्हाट शेप इज दिस, तो आपको कोई शेप ड्रॉ करके किसी भी चीज को दिखाई जा सकता है, जैसे कि मैंने एक शेप ड्रॉ कर ली तो आपसे पूछा जा सकता है विच शेप इज दिस, ये कौन सा शेप है। तो जैसे कि ये रेक्टेंगल है तो आप लोग बोलोगे दिस इज रेक्टेंगल, हो गया। तो कोई भी शेप आपको दिखा के पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है व्हाट इज योर फेवरेट एनिमल, आपका फेवरेट एनिमल क्या है। फॉर एग्जाम्पल आपका फेवरेट एनिमल है डॉग, आप बोल सकते हैं माई फेवरेट एनिमल इज डॉग, कैट है तो माई फेवरेट एनिमल इज कैट, रैट, जो भी आपका फेवरेट एनिमल हो उसको आपको डाल। नेक्स्ट इज डू यू हैव एनी अ पेट एट होम, तो जैसे कि अगर आपके पास है तो आप बोल सकते हैं यस आई हैव अ पेट। इतना भी बोलोगे तो चलेगा या एट होम भी लगा दे, अगर नहीं है तो नो आई डोंट हैव, अगर नहीं है तो नो आई डोंट हैव अ पेट एट होम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो व्हाट इज योर फेवरेट फूड, तो आपका जो भी फेवरेट फूड हो, जैसे कि आपको पसंद है, जैसे आपको पसंद है पिज्जा, बर्गर, फ्रूट्स है या मैं कि कोई भी हो, जैसे राइस हो, अगर आपको राइस पल्सेस पसंद है तो आप वो डाल सकते हो, आपको चपाती पसंद है तो आप वो डाल सकते हो, मतलब जो भी आपका फेवरेट फूड हो, जो भी आपको सबसे अच्छा लगे। नेक्स्ट व्हाट इज योर फेवरेट गेम, आपका फेवरेट गेम क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको हाइड एंड सीक पसंद है, आपको लूडो पसंद है, आपको चेस पसंद है, तो आप बोल सकते हो यस माय फेवरेट, यस नहीं डालना है, माय फेवरेट गेम इज हाइड एंड सीक, अगर लूडो है तो माय फेवरेट गेम इज लूडो, जो भी आपका फेवरेट गेम हो आपको बोल। सो नेक्स्ट है व्हाट नेक्स्ट है व्हाट नंबर इज दिस, जैसे कि मैं यहाँ पे वन लिख दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा व्हाट नंबर इज दिस, तो ये वन है तो दिस इज वन, आपको टू थ्री कोई भी नंबर दिखाई दिया जाएगा, जैसे ये व्हाट नंबर इज दिस, ये कौन सा नंबर है, तो ये फोर है तो बोलोगे दिस इज फोर। व्हाट लेटर इज दिस, जैसे कि ए लिख दिया, बी लिख दिया, कोई भी लेटर लिख दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट लेटर इज दिस, ये कौन सा लेटर, जैसे ये ए है तो आप ये बताओगे इट इज ए, इट इज बी, इट इज जेड, इट इज वाई, जो भी मतलब की लेटर हो वहां पे। नेक्स्ट हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने साल के हो, जैसे आप 3 साल, मतलब 3 साल के हो, 4 साल के हो, 5 साल के हो, 7 साल के हो, 6 साल के हो, जितने साल के हो आप ना बताओगे आई एम, जैसे कि आप 5 इयर्स के हो तो यू कैन से कि आई एम 5 इयर्स ओल्ड, मैं 5 साल का। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।